मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट करें। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम ब्लीचिंग का दूसरा पार्ट के बारे में बताने जा रहे हैं। एक वीडियो मैंने ब्लीचिंग का अपलोड किया था, उसके बाद ये दूसरा मतलब केमिकल से कैसे करते हैं उसके लिए है। और आज के विषय है H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड से कैसे ब्लीचिंग करते हैं। और ब्लीचिंग का जो ऑब्जेक्टिव वगैरह मैंने पहले वाला वीडियो में बताया वही है, सेम है, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंजिंग है। देखो इसमें क्या लिखा हुआ, हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज ए कॉमनली यूज इन इंडिया। मतलब भारत में ये चीज़ जो होता है यूनिवर्सनल ब्लीचिंग एजेंट है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, मतलब कॉमनली यूज होता है। और वो लगभग 85% प्रोसेस है उसमें यही वाला ब्लीचिंग एजेंट यूज होता है H2O2, ठीक है। उसके बाद देखो, नो एनी हजारस गैस प्रोड्यूस्ड इन दिस प्रोसेस। जैसे अपन दवाई खाते ना बोलते साइड इफेक्ट है क्या, ऐसे ये ब्लीचिंग में कोई साइड इफेक्ट मतलब केमिकल रिएक्शन नहीं होता। कोई गैस जो अपना शरीर को हानि पहुंचाएगा ऐसा कोई गैस इसमें बनता नहीं है, और इसीलिए ये बढ़िया है। उसके बाद देखो, नेचुरल कलरिंग मटेरियल्स मोल्ड्स फंगी एंड ऑल बैक्टीरिया रिमूव्ड। वही चीज़ है जो पहले वाला बताया था, यही सब चीज़ है ब्लीचिंग में। अपना नेचुरल जो कलर जो पीलापन है वो हट जाता है, और वो मतलब फंगी जो होता है, फंगस होता है वो भी नहीं रहता, बैक्टीरिया नहीं रहता, ये सब वो मिट जाता है। उसके बाद देखो, गिव ए सुपर वाइट फाइबर यार या फैब्रिक कुछ भी डाई करते हो जो बिल्कुल दूध जैसा कलर या LED लाइट का जो लाइट होता है ऐसे ही कलर का फाइबर हो यार हो फैब्रिक हो हमको मिलता है। वी हैव टू ऐड सोडियम कार्बोनेट सोडियम सिलिकेट आज स्टेबलाइजर। ये जो दो चीज़ है हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ डालना पड़ता है, सोडियम कार्बोनेट सोडियम सिलिकेट, ये इसको स्टेबलाइजर बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो, सेफ फॉर रॉ मटेरियल आज नो डिग्रेडेशन अकर्स इन दिस ब्लीचिंग। ये जो ब्लीचिंग मेथड है इसमें कोई भी फाइबर का जो सेलुलोजिक डैमेज, फाइबर कोई भी डैमेज नहीं होता। इसमें एक अच्छा एक खासियत है हाइड्रोजन पेरोक्साइड में, देखिए pH 8.9 to 11.5 इट क्रिएट्स पर हाइड्रोक्सिल आयन व्हिच वैनिश द कलर। ये जो कलर जो वैनिश होता है, जो कलर हट जाता है, उसमें क्या होता है अपना अगर 9 to 11.5 pH का रखेंगे पानी, और उसमें एक आयन तैयार होता है पर हाइड्रोक्सिल बोलते हैं। ये आयन क्या करता है, कलर मिटाने में मतलब वैनिश करने में गायब करने में मदद करता है। स्काउरिंग नॉट रिक्वायर्ड इन केस ऑफ दिस ब्लीचिंग। ये जो ब्लीचिंग होता है इतना बढ़िया रहता है, ये अगर आप करते हो तो स्काउरिंग नहीं होगा भी चलेगा, मतलब एक ही साथ ब्लीचिंग स्काउरिंग दोनों कंबाइंड कर सकते हो, स्काउरिंग एंड ब्लीचिंग में डन कंबाइंड। और उसमें देखो, हास्क सीड कोट एंड ट्रास रिमूव, ये भी स्काउरिंग में जो चीज़ था ना मुद्दा था वो सब चीज़ भी इसमें सब हट जाएगा, मतलब बैनिश हो जाएगा। यूज्ड पर बोथ प्रोटीन एंड सेलुलोजिक फाइबर्स, ये प्रोटीन फाइबर या सेलुलोजिक फाइबर दोनों के लिए काम आता है। और टेम्परेचर 60 डिग्री टेम्परेचर और टाइम 40 to 45 मिनट इसको लगता है पूरा बढ़िया से ब्लीचिंग होने के लिए। नेक्स्ट देखिए, इसमें अपन क्या क्या अपन को सामान चाहिए अपन ये ब्लीचिंग का टेस्ट करने के लिए। एक फिजिकल बैलेंस चाहिए और बेकर और ग्लास, ये अपन को इसीलिए चाहिए क्योंकि ये फिजिकल बैलेंस में सब वजन करेंगे, छोटा छोटा क्वांटिटी है, बाकी कोई बैलेंस में वजन नहीं हो पाएगा। और केमिकल रिक्वायर्ड देखो, हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, जो अपन वॉशिंग सोडा होता है ना या सोडा आश होता है इसी को बोलते हैं Na2CO3। कपड़ा धुलाई में काम आता है, स्टेन वगैरह दाग वगैरह हटाने के लिए अपने यूज करते हैं। उसके बाद सोडियम सिलिकेट Na2SiO3,
ठीक है। उसके बाद देखो इसका मैंने रेसिपी क्या क्या रहेगा, ये H2O2 3% है, बाकी दोनों 2-2% है, 1:10 कंसेंट्रेशन रहेगा, वेट ऑफ द सैंपल का हिसाब से लिया जाएगा। और वेट ऑफ सैंपल मान लो 4.5 ग्राम का है, 4.5 × 3/100 × 10 1.3335 cc, ऐसे ये 0.9 cc आया दोनों का। और 2 से 3 ड्रॉप टर्की रेड ऑयल लेना, और 4.5 × 15 67.5 cc का वाटर लेना। और ये सब चीज़ लेने के बाद क्या करना, वो बेकर के अंदर क्या करना, इसको सारी चीज़ घोल देने का, एक बार घोलने के बाद बढ़िया से मिल जाएगा। उसके बाद अपनी जो ली है उसका अंदर डुबा देने का, और वो कम से कम 40-45 मिनट तक गर्म करना 60 डिग्री टेम्परेचर में। उसके बाद इसको नॉर्मल पानी में धो लीजिएगा निकाल के, फिर सुखा दीजिए। सूखने के बाद देखना बिल्कुल प्योर वाइट कलर का सैंपल निकलेगा। आपकी बताया था जैसे कि दूध का कलर या LED ट्यूबलाइट का जो कलर होता है ऐसे ही कलर का दिखेगा। और ये जो तरीका दो मेथड बताया ब्लीचिंग का, ये मेरे को उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगेगा। और ये वीडियो आप देखने के बाद ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।